असलम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब इस्लाम का काम स्टार्ट करेंगे सफ़ा नंबर तेईस से दोस्तों के हकूक दोस्तों सा, के साथ हमारा बहुत गहरा ताल्लुक होता है उनके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए दोस्तों के साथ अहलास से पेश आना चाहिए यानी कि सच्चे दिल से पेश आना चाहिए अच्छे कामों में उनका साथ देना चाहिए और बुरे कामों से उन्हें रोकना चाहिए यानी कि अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें रोकना चाहिए और अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको दाद देना चाहिए उनको शाबाश देनी चाहिए अगर कोई दोस्त मशवरा मांगे तो उसे अच्छा मशवरा देना चाहिए मातहतों के हकूक वो लोग जो हमारी मातहती में काम करते हैं इन्हें मातहत कहते हैं इसके, इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए उनके जायज मुतालबात को तस्लीम करना चाहिए उनके साथ बेजाज सख्ती ना की जाए इनके फजूल में सख्ती नहीं करनी चाहिए उनपे अगर उनसे कोई गलत काम हो जाए तो उन्हें पहले नरमी से समझाया जाए और अगर बार बार वही गलती करें दोहराएं तो फिर उनके उनसे कदरे सख्ती का बर्ताव किया जाए गरीबों के हकूक अल्लाह ताला ने अमीर लोगों पर लाजिम करार दिया है कि वो गरीब लोगों का ख्याल रखें उनकी जरूरिया पूरी करने के लिए उनके साथ तामन करें अल्लाह ताला का इरशाद है और उन लोग उनके मालों में मांगने वाले और ना मांगने वाले दोनों का हक है यानी कि जो देते हैं और जो मांगते हैं उन दोनों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के साथ बेहद उमदा सलूक करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जरूरियात पूरी किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी साइल यानी के मांगने वाले को अपने घर से हाली हाथ नहीं लुटाया था यानी कि उनको कोई भी मांगने वाला आता था तो उसको कुछ ना कुछ दे के वापस भेजते थे आप के साहबा इक्राम भी गरीब साहबा इक्राम रजी त मदद किया करते थे नबी करीम सल वम का इरशाद मुबारक है सबसे बुरा खाना वो है जिसमें अमीरों को बुलाया जाता है और गरीबों को छोड़ दिया जाता है यानी कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जो जो, जो आ, मिसाल के तौर पर कोई दावत घर पर करते हैं तो उसमें भी उन लोगों को बुला लेते हैं जो अमीर अमीर होते हैं गरीबों को नहीं बुलाते तो वो सबसे बुरा खाना करार दिया है आगे मुसलमानों के हकूक एक मुसलमान होने की हैसियत है से दूसरे मुसलमान के जिम्मा कुछ हकूक होते हैं इन हकूक की अदायगी हर मुसलमान पर लाजि है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक की वजाहत फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका मुबारक है एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर छह हकूक हैं अगर वो उसे बुलाए तो उसकी दावत कबूल करे जब उसे सलाम मिले तो सलाम करे उसकी छीन का जवाब दे जब वो बीमार हो तो उसकी अयादत करे यानी कि उससे मिलने जाए जब वो इससे नसीहत करे नसीहत चाहे तो उससे नसीहत करे जब वो फोत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो प्यारे तलबा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने फरज और दूसरों के का क्योंकि अल्लाह उस शख्स से खुश होता है जो इसके बंदों का ख्याल रखता है और उन उनके हकूक अदा करने में सुस्ती और गफलत नहीं करता सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है उसके साथ आपने ये मारूजी इसकी अपने पेरेंट्स की मदद से फिल करनी है सो बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज